Hey there guys, welcome back to the new video. तो यार ये बेसिकली पोकेमोन वीकर देन मैजिक आपका सेकंड पार्ट है या फाइनली मैंने जून में वीडियो डाली थी और मैंने कहा था मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा और अब जाके ला रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। बट यार मैंने कुछ स्पेशल सोचा था, तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आखिरकार आज हम लोग देखने वाले कुछ ऐसे पोकेमोन्स जो इवन मैजिकार्प से ज़्यादा वीक है। अब मैं मैजिकार्प की क्या तारीफ़ें करूँ, तुम इससे समझ सकते हो कि मैजिकार्प कितना प्रसिद्ध है। लाइक कोई भी क्रोम पे ये सर्च नहीं करता कि हु इज़ द वीकेस्ट पोकेमोन, सब ये सर्च करते हैं कि हु इज़ द सेकंड वीकेस्ट पोकेमोन। तुम इसे समझ सकते हो कि मैजिकार्प कितना ज़्यादा पॉपुलर है और कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो या आज इस वीडियो में हम लोग ऐसी कुछ पोकेमोन्स की बात करेंगे। सो या अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट बींग फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जिस पोकेमोन की मैं बात करने जा रहा हूँ वो रहेगा शेडिंजा, एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ शेडिंजा और मुझे उसकी ताकत के बारे में काफ़ी अच्छे से पता है। बट आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि डेफिनेटली तुम भी मजबूर हो जाओगे मानने में कि शेडिंजा इज़ वीकर देन मैजिकार्प। तुम लोगों ने सही सुना, लाइक शेडिंजा को हम लोग काफ़ी पसंद करते हैं एक पोकेमोन एपिसोड में जब से वो आया था। बट इसका रीज़न ये नहीं है कि मैंने मैजिकार्प को इसके ऊपर क्यों रखा और शेडिंजा को इतना वर्स्ट क्यों बता रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि अगर तुम इसके बेस स्टैट पर गौर करो, लिटरली मैन इसका HP 1 है। अगर पोकेमोन की जरूरत ही नहीं है भाई, तुम ही जाके एक स्कल बैश मार दो इसके मुंह पे, ये वहीं फेंट हो जाएगा। तो मैं पोकेमोन मूव्स की जरूरत ही नहीं है। मुझे नहीं पता ये स्टूपिड ट्रेनर्स क्या कर रहे थे। लाइक भाई तुम लोग इतने पोकेमोन यूज़ कर रहे हो और किसी सामने पोकेमोन का एक HP नहीं गिरा पाए, तुम लोग पता नहीं क्या करते हो। बट अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम क्विक अटैक कर दोगे क्योंकि क्विक अटैक सबसे पहले मूव करेगा, भले तुम्हारे सामने लेवल 100 का आर्किस क्यों ना जाए, बट काम नहीं आएगा क्योंकि ये पोकेमोन घोस्ट टाइप भी है। लाइक मुझे लगता है कि बिडूफ को तुम लोग काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। इवन मैजिकार्प की तरह ही बिडूफ को ऐसा माना जाता है कि वन ऑफ द वर्स्ट पोकेमोन है, और इसका रीज़न ये है कि इसको एक HM स्लेव माना जाता है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। बट तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके पास एक भी ढंग का मूव नहीं है। मानता हूँ यार नॉर्मल टाइप है, बट नॉर्मल टाइप पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसके बावजूद कि ये उनके ही तरह है जो कि रेटेटा और PG जो तुमको रूट के स्टार्टिंग में मिलते हैं ना, जो कि किसी काम नहीं है एक ट्रैश के अलावा। और ये एलीट 4 के सामने तो ले जाने की सोचना भी मत, तुम खराब हो जाएगा तुम्हारा पूरा गेम भाई, लेके मत जाना इसको गलती से भी। इसको बस तुम HM स्लेव की तरह यूज़ कर सकते हो और मेजॉरिटी ऑफ ट्रेनर्स इसको HM स्लेव ही यूज़ करते हैं। HM स्लेव वो पोकेमोन होते हैं जो कि दो कौड़ी के भी नहीं होते, बट उसको ऐसे यूज़ किया जाता है कुछ एज HM और TM परफॉर्म करने के लिए। और मानो ना मानो बिडूफ को वन ऑफ द बेस्ट HM स्लेव माना जाता है क्योंकि आधे से ज़्यादा HM और TM सीख सकता है। बिडूफ OP यार। ओके नाउ आई एम गोना टेल यू द वर्स्ट पोकेमोन, एनी गेसेस? जल्दी करो यार गेस। इतनी मारियो। यप यू आर राइट, तुमने सही सोचा, दैट्स ज़ूबैट। इसका रीज़न ये नहीं है कि मैं इसको वर्स्ट पोकेमोन मानता हूँ, इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न है जो कि मुझे मजबूर कर देते हैं इसको यूजलेस पोकेमोन बताने में। लाइक जब भी तुम केव में घुसो आउट ऑफ नोवेयर ये टपक जाएगा कहीं ना कहीं से। मैं जानता हूँ इसका इवोल्यूशन काफ़ी बेहतर है, बट उतने तक भी पहुँचाने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं। इस पोकेमोन को झेलना बहुत मुश्किल है। लाइक केव में घुसते ही सबसे पहला पोकेमोन तुम्हारे पास भाग के चिपकने आएगा, दैट ज़ूबैट। भाई तुम कहीं से भी गेम खेल लो, सबसे पहले तुमसे मिलने वाले वाला है ज़ूबैट। इसका रीज़न पता नहीं क्या है, पोकेमोन कंपनी को क्या ही प्यार है ज़ूबैट को एक नॉर्मल ट्रेनर से। लाइक आउट ऑफ नो वेयर यार, पता नहीं कौन सा मैग्नेट है कि मतलब कहीं से भी चिपकने आ जाएगा। चलो वो भी छोड़ो यार, मतलब आ रहा है एक तो कंफ्यूज करके चला जाता है तुम्हारे पोकेमोन को। फिर नेक्स्ट रहेगा अननोन। इसके पीछे डेफिनेटली काफ़ी सारे रीजंस है। लाइक मैं अननोन का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ और उसकी मूवी देख के मुझे अननोन के बारे में काफ़ी सारी पावर्स के बारे में पता चला था। बट टू बी ऑनेस्ट अननोन ग्रुप में काफ़ी अच्छे हैं, बट अगर सिंगल पोकेमोन देखे, क्योंकि ऑफकोर्स तुम एक ट्रेनर हो और एक सिंगल पोकेमोन यूज़ कर सकते हो, पूरा गुच्छा नहीं पकड़ सकते अननोन का भाई, वो कुछ भी नहीं कर सकते। एटलीस्ट मैजिकार्प के पास एक हाइड्रो पंप है, स्प्लैश है, टैकल है, बट यार इसके पास क्या है? इसके पास सिर्फ हिडन पावर है जिस पर 2% का भरोसा नहीं है। कि हिडन पावर्स के बारे में तुम्हें पता ही होगा, हिडन पावर एक ऐसा मूव है जिसका 2% की भी गारंटी नहीं है वो कौन सा मूव करेगा। इट जस्ट रैंडमली यार वो कोई सा मूव कर सकता है, वो क्विक अटैक कर सकता है, सुपरसोनिक, कुछ भी हो सकता है। इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस है इसके अलावा भी जिसके कारण अननोन एक वर्स्ट पोकेमोन बनता है। पोकेमोन ग्रुप में काफ़ी अच्छा है अननोन, बट अगर सिंगल पोकेमोन में देखे तो ये मैजिकार्प से भी ज़्यादा बकवास है। ओके मैं तुम्हें एक और बार मौका देता हूँ, गेस करो नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा हो सकता है। लेट मी गिव यू अ हिंट, ये टीम रॉकेट का पोकेमोन है। करो करो
या बिल्कुल सही सोचा तुमने, वो कोई नहीं, वो डेलीबर्ड है। इसके पीछे डेफिनेटली रीजंस तो काफ़ी नहीं है, बट यार दो तीन रीज़न है जो कि बहुत ज़्यादा बेकार है। लाइक इसका बेस्ट हेड देखो यार, मतलब क्या अच्छा दिख रहा है तुम्हें, तुम खुद बताओ जेन्युइनली क्या है इस बेस्ट हेड में, कुछ है नहीं। ये सबसे बेकार बनता है इस पोकेमॉन के बारे में। और इसका स्पेशल मूव है जो कि तुम्हें पता होगा, ये गिफ्ट बांटता फिरता है सबको, उसका भी 2% की गारंटी नहीं कि वो डैमेज भी करेगा कि नहीं, क्योंकि इसका गिफ्ट कभी कभी पोकेमॉन को ताकतवर भी करके चला जाता है। अगर तुमने डेलीबर्ड वाले एपिसोड देखे हैं टीम रॉकेट के, तब तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इतना ही नहीं यार, मतलब ऐसा कौन सा मूव है यार जो तुम डैमेज करने की जगह दूसरे पोकेमॉन की हेल्थ ही बढ़ा दे रहे हो। लिटरली यार ये फर्जी सेंटा है कलयुग का। हम लोग नेक्स्ट पोकेमॉन को रिलेट कर सकते हैं रेनी सीजन से। सुनने में तुम्हें काफ़ी अजीब लगे, बट मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। लाइक रेनी सीजन में तुमने वो आवाज़ सुनी होगी चप्पलों की जो चप 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 करती है, लाइक उससे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी मतलब नहीं बनता, बट तब भी तुम्हें चुल है, तुम उस आवाज़ को सुनोगे। तो वही रीज़न इस पोकेमॉन के साथ भी जाता है। लाइक पता नहीं क्यों तुम्हारा नज़र उस पोकेमॉन में जाने वाला है और तुम्हारे अंदर चुल मचेगी उस पोकेमॉन को पकड़ने की। वो पोकेमॉन है सन एंड मून से, आउट ऑफ जनरेशन 7 काफ़ी अच्छे अच्छे पोकेमॉन इंट्रोड्यूस हुए हैं, बट इसके बावजूद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे अच्छे ही हों। इसमें से एक वर्स्ट है विम्पॉड। भाई आपरा जानते हो ना तुम लोग कांटो रीजन का, उसके बारे में तुम्हें पता होगा, लाइक अगर तुम उसको एक मूव में नहीं पकड़ पाते हो तो वो निकल लेगा। सेम हाल है इसके साथ, बट ये और बदतर है। अगर तुम्हें पोकेबॉल से पकड़ लिया फर्स्ट टर्म में तो ठीक है, वरना दूसरी बार में ये ऐसे भागेगा कि तुम दोबारा मिलने वाला भी नहीं है। सो इसी कारण यूट्यूब पे तुम्हें काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे इवन कि इसको कैसे पकड़ें। अब हम लोग अपने लिस्ट के सेकंड लास्ट पोकेमॉन की ओर बढ़ रहे हैं, वो रहेगा स्मीगल। इसका रीज़न ये है कि स्मीगल जो है वो पेंटिंग पोकेमॉन है, मतलब एक कुत्ता है, पेंटर है, और बेसिकली वो पेंट करता है। बट इसका रीज़न ये है कि पेंटिंग भी ढंग की नहीं करता, एटलीस्ट जिस चीज़ में तुम अच्छे हो वो भी तुम्हारी एकदम परफेक्शन नहीं है। मतलब ये मूव्स में बिल्कुल बेकार है, इसके पास स्पीड बस अच्छा है और बाकी सब कुछ बेकार है। मेरी बात मानो, डार्क काई का जो डार्क वर्ल्ड है ना, वो स्पेशली इसी पोकेमॉन के लिए बना है, क्योंकि पोकेमॉन यूजलेस है, इसका जीने का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। लाइक पकड़ो सारे स्मीगल को और डाल दो डार्क वर्ल्ड में, और कोई काम भी रहने वाला। अगर तुम सोच रहे हो कि बंदा पेंटिंग काफ़ी अच्छा बनाता होगा तो पेंटिंग बेच के पैसे कमा लोगे, बट वो भी नहीं ना, क्योंकि इस पेंटिंग को बेचने के लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे ताकि सामने वाला खरीदे, क्योंकि इसकी पेंटिंग किसी कैंसर से कम नहीं है। अगर तुमने पोकेमॉन एनीमे में इसका एपिसोड देखा है तब तुम रिलेट कर पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हम लोग आखिरकार लिस्ट के लास्ट पोकेमॉन की बात कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए काफ़ी सरदर्द की बात थी। तुम लोग के लिए एक ऐसा नमूना पोकेमॉन ढूंढूं जो किसी लायक का नहीं है, तुम्हें उसे पकड़ना भी नहीं चाहिए, उसको ख़त्म कर दो दुनिया से। चलो 5 सेकंड देता हूँ, गेस करो वो कौन हो सकता है। वो कोई और नहीं, वो स्पॉइंक है। तुम लोगों ने सही सुना, इसको भी मैजिकार्प की तरह बस स्प्लैश मूव आता है। बट तुम्हें बता दूं, एटलीस्ट मैजिकार्प टैकल और एटलीस्ट हाइड्रो पंप तो सीखता है, बट व्हाट अबाउट दिस पोकेमॉन? ये इसके बारे में तुम्हें पता होगा कि जिंदगी भर बस अपने पूंछ में कूदता रहेगा। अगर बंदे ने कूदना बंद किया तो इसकी हार्ट बीट रुक जाएगी, ये वहीं मर जाएगा। बेसिकली अगर इसने स्प्लैश करना बंद किया तो ये ख़त्म। तुम समझ रहे हो ना, लाइक अगर मैजिकार्प भी कुछ वक्त रुक के हाइड्रो पंप कर सकती है, बट इस पोकेमॉन का क्या यार, तुम लोग पकड़ के क्या करोगे? स्प्लैश करता रहेगा, तुम यूज़ ही नहीं कर सकते। ये पोकेमॉन टोटली वर्स्ट है, एंड मेरे अकॉर्डिंग थ्रू आउट पोकेमॉन एनीमे इससे ज़्यादा बेकार पोकेमॉन कभी नहीं आने वाला। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। लाइक मेरे काफ़ी सारे कमेंट सेक्शन में मैसेज आ रहा था, भाई मैजिकार्प वाले का सेकंड पार्ट लाओ। तो हेयर इट इज़ मैन, लाइक मैंने इसमें लिटरली सारे वर्स्ट पोकेमॉन बता दिए हैं थ्रू आउट पोकेमॉन एनीमे। अब बाकी का ऑप्शन तुम पे है यार, तुम क्या मानते हो और कैसा है, बट तुम बताओ यार तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन वर्स्ट पोकेमॉन है? क्योंकि फॉर मी मैजिकार्प इज़ ट्रू स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। लाइक मैजिकार्प का वर्स्ट चले तो यार वो आरकेस को हरा दे, म्यूटू करा दे, मेरी बात मानो तो सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को साथ में ठोक देगा, इतना ताकतवर है। बाय द वे आज का कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताओ कि तुम्हें सही में कौन सा पोकेमॉन सबसे ज़्यादा वर्स्ट लगा। अगर मुझे तब भी गिनना पड़े तो मैं स्पॉइंक और स्मीगल को चूज़ करूँगा। अब बाकी के ऑप्शन तुम पे है, आज का पोकेगोज कौन सा पोकेमॉन है जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दो, जो सबसे पहले आंसर देंगे उनकी मैं नेक्स्ट वीडियो में फीचर करूँगा। एंड बाय द वे सरीना फैंस, अभी काफ़ी सारे ऐसे ट्विटर पर ट्वीट्स चल रहे हैं ब्रिंग बैक सरीना, तुम लोग सपोर्ट कर सकते हो उस ट्वीट को। सो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।